कुछ चीज़ को एनालाइज करके मतलब कुछ चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जो किस लिए वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो बना रहा हूँ ये जो कमेंट किया है, ठीक है, इसमें बना रहा हूँ। तो एलेक्स, हाय सर, प्लीज़ मेक योर यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू ये फाइव डाटा एंड एनालाइज वर्स द पोजिशनल क्रिएटेड। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, इन्हों लिखा है सर, हम लोग जो एफ आई डाटा, ठीक है, और वाई मतलब देख के उसको कैसे ऑप्शन मतलब कैसा पोजीशन क्रिएट कर सकता है। अभी पहला तो बात बताऊंगा कैसा पोजीशन क्रिएट कर रहा है। आप पे इंट्राडे पोजीशन ले रहा है, नहीं तो डिलीवरी ले रहा है, कौन सा पोजीशन ले रहा है, ठीक है, मंथली बेसिस में ले रहा है, तो अलग अलग स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग लिए तो और बहुत जानकारी देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट्राडे का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए और बहुत चीज़ देखना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊँगा। स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे, इंट्राडे का बात क्या आता हूँ, ठीक है। तो ये पाई डी आई का डाटा और क्लांट प्रो जो भी है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कैसे पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ, पहला तो इंट्राडे पोजिशन क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये सब मैं पीछे वाला छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, ठीक है, एनएससी वेबसाइट अपना पास, पहले तो अपना पास आपका एक्सेल शीट होना चाहिए। मैंने इधर मेरा पास मेरा एक्सेल शीट है। आप हर रोज यहाँ से ए पाई डी आई, हाँ यहाँ पे एक्सेल शीट है, थोड़ा सा वेट करो। वीडियो कभी बड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काट दिए तो आप लोग को मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मर्जी है, इसका शायद कुछ वेबसाइट भी हम ऑन करके आता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेबसाइट, फिर एक लिया, फिर दो ले लिया। काफी नेट का प्रॉब्लम क्यों कर रहा है यार, पे आ गए, इसका भी ले लिया। तो कुछ वेबसाइट देख लो मैं कहाँ क्या क्या करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेल शीट क्या मैन्युअली, अभी फिलहाल तो मैं इसको ऑटो सिस्टम नहीं किया, यहाँ पे मैन्युअली सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप ये सब पहला भी वीडियो मैंने दिखाया, ठीक है, वो एनएससी वेबसाइट से डाटा लेके यहाँ पे बोलियम, ठीक है, यहाँ बोलियम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना, ठीक है। फिर वहाँ से ये है हमारा पेड नंबर के लिए, ये आप लोग को मिलेगा नहीं, और अभी तो मैन्युअली इसमें अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल जो भी है मैन्युअली अपडेट हो रहा हूँ, यहाँ पे लगभग 1 महीने का डाटा रहना है, नहीं तो मैक्सिमम 15 दिन, इंटरडे ट्रेडिंग कर रहा है तो 15 दिन, और अगर आप पोजिशनल ले रहे हैं तो 1 महीने का डाटा, ठीक है। अब 3 महीने का उतना ज़रूरत नहीं, 1 महीने का बस हो जाता है। फिर आपको ये सब वो अलग अलग है, ठीक है, ये सब चार्ट चार्ट है। तो यहाँ पे फिलहाल तो अभी मैन्युअली करके रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना, अभी आज का मैं दिखा के आता आपको, ठीक है, जैसे कैसा उस पोजीशन। यहाँ पे ये मैन्युअली नहीं कर रहा बोल के मैं यहाँ से मोबाइल से देख रहा हूँ, हार्ड से, ठीक है। और पोजिशनल पे यहाँ पे आप लोग आओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। अब नहीं तो हम लोग एक काम करता हूँ, तो आ गया ही फिर से। अब चाहिए तो अब नया वेबसाइट में भी जा सकता है, ठीक है। तो हम नया वेबसाइट में जाके आता हूँ, कॉल के डॉक्टर स्विच हो गया मेरा मोबाइल। तो देखो ये काफी टाइम बर्बाद होगा, वहां से करना था ये मार्केट एनालाइज में जाना। इसके बाद डेली लेटर रिपोर्ट, इससे अच्छा वही जल्दी हो जाता था। इसके बाद हम लोग को पास डेरिवेटिव, अब क्या है नया वेबसाइट आ रहा है तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो डेरिवेटिव आ गया तो यहाँ पे चले जाना, नीचे जाना ड्रॉप डाउन मेनू, उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेंट, यहाँ पे ट्रेन बोली हम, ठीक है, एक यहाँ से टिक मार करो, पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट,
यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और यह बोलियम बोलियम, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, इसको डाउनलोड कर दिया और कहाँ पे टिक मारा, यहाँ पे ना ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे भी डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को ये वेबसाइट फिलहाल तो ज़रूरत नहीं, इस फिलहाल क्या करूँ, फिलहाल जो भी डाटा है राइट, आप लोग को कैसा यहाँ पे पेस्ट करना है वो दिखा रहा हूँ। पहले ये तो होगा यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो भी है, यहाँ बोलिए मैं ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट ट्रेडिंग बोलियम, ठीक है, तो बोलियम को हम ले लेता हूँ। यहाँ से लास्ट दो वाला जो है उसको छोड़ दूंगा, ये टोटल है। ठीक है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे हम लोग क्या बोलियम है राइट, तो बोलियम है तो यहाँ हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दे राइट। अभी एक तो हम लोग के पास होगा, अभी ये वाला हम लोग क्या किया, पहले ओपन इंटरेस्ट ना वॉल्यूम लिया जो भी लिया। ठीक है, अभी ये वाला लेता हूँ हम लोग, ये है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट ले लेता हूँ। अभी फिलहाल तो क्या है, मैन्युअली करना पड़ा है, आगे जाके मैं इसको आर्टिफिशियल करूँगा, क्योंकि आगे जाके मैं इसको मैन्युअली नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल क्या है, 1-2 मिनट मैन्युअली कर ले रहा हूँ, फिर नहीं तो ज़्यादा कोडिंग लिखना पड़ेगा उसी का वजह से। नहीं, आगे जाके मैन्युअली कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहा जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग आ गया, कॉपी कर लिया, फिर से कॉपी करता हूँ, फिर से आ जाता हूँ, वो ऊपर का वो वॉल्यूम हो गया, अब नीचे का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, फिर से यहाँ तक वो लास्ट जो दो है ना उसको छोड़ दिया। अभी हम लोग के पास क्या होगा, 1 दिन का डाटा हम लोग ले लिया। ठीक है, कल का जो है, तो कल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लाइंट क्या है, क्लाइंट क्या किया, 74704 टोटल, इसका टोटल लॉन्ग टोटल बाय, इसका मतलब नेट नेट पोजीशन कितना हुआ, तो नेट नेट पोजीशन में टोटल अगर टोटल शॉर्ट किया 503 जो भी है, टोटल ऑप्शन इंडेक्स सब मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे नेट नेट से टोटल शॉर्ट 5092, तो 51, तो इसका मतलब टोटल लॉन्ग लॉन्ग ज़्यादा है, तो नेट नेट पोजीशन में कितना है, 74708। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे लाखों रुपये, मतलब लाख में यहाँ पे होता है 74708, और यहाँ पे DI ने मतलब क्लाइंट में पॉजिटिव है। ठीक है, और DI ने क्या किया है, DI ने टोटल यहाँ पे लॉन्ग टोटल शॉर्ट, तो यहाँ पे टोटल -7727, मतलब इसे पहला से ये माइनस जो भी है ये नेगेटिव है। यह वॉल्यूम को बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नीचे है, वॉल्यूम दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे किया है FI, FI ने क्या किया है, ये वाला FI है शायद, हाँ FI ने किया, लॉन्ग किया है इतना 1154999 टोटल है। आप चाहे तो ये अलग अलग कर सकते हैं, ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर, तो मैंने ये सब नहीं किया, मैं सीधा यहाँ पे लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो भी है, तो ये भी एक सबका सब मतलब यहाँ पे माइनस दिखा रहा हूँ, और टोटल प्रो प्रो भी माइनस दिखा रहा है, तो टोटल टोटल लॉन्ग और टोटल शॉर्ट, तो ये तो ये एक वॉल्यूम देख रहा हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम और नीचे कहा है ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट क्लाइंट पॉजिटिव है और DI ने 0.5 न्यूट्रल में है, और यहाँ पे FI ने पॉजिटिव है, FI और प्रो फ्लेयर दोनों पॉजिटिव था। ठीक है, और सॉरी सॉरी, FI और क्लाइंट, ठीक है, और DI और प्रो, हाँ DI और प्रो नेगेटिव में था 1.05, मतलब ये अच्छा खासा ये टोटल शॉर्ट किया है। देखो इंडेक्स यहाँ पे देखो, इंडेक्स और यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन है या फ्यूचर कौन सा इंडेक्स ऑप्शन जो भी है, तो यहाँ पे उतना मतलब फिर बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट नेट पे जैसे इतना है, तो इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकता है, तो यह कॉपी करके यहाँ पे आप ये सर यहाँ पे यह सब पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो टोटल आगे का कितना हुआ पूरा ऐसा देखते रहना,
तो ये तो होगा, ये इसमें मार्केट क्या बता रहा है, इसका डिसिप्लिन क्या बता रहा है, वो ओपन इंटरेस्ट को मार्केट बोल रहा है, मार्केट पॉजिटिव है ठीक है। तो और यहाँ पे डीआई और प्लस प्रो में ये क्या किया, ये सेट मतलब कॉल को राइट करके गया ठीक है। और यहाँ पे खाली इसको देखते हुए नहीं होगा ठीक है भाई, पीछे वाला भी इसको तो देख लिया डाटा क्या हुआ, डाटा पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पे ठीक है। तो डाटा यहाँ पे देखो 75 क्लाइंट पॉजिटिव है, और डीआई भी यहाँ पे डीआई देखो ग्रीन कलर, तो यहाँ पे भी 1717 1127 टोटल आके नेट नेट पोजिशन मतलब कार्ट माइनस करके इतना निकाला ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों क्लाइंट और डीआई सॉरी क्लाइंट और क्लाइंट मतलब हम लोग क्लाइंट और एफआई यू नो पॉजिटिव है, तो मार्केट पॉजिटिव है, तो मैं इसको देख के इसको काट करके आता हूँ ठीक है। इसका इसमें तो दिखा दिया मार्केट पॉजिटिव है राइट, इसमें पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे ऑप्शन सेल में जब कॉल देखा है ठीक है, तो और कुछ चीज दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आना पड़ता वहां से ही हो जाता है, क्योंकि मैंने वार वहाँ पे सब कुछ एक साथ में लगाया और इसमें थोड़ा अलग अलग है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पे ये चले गया, यहाँ पे मनी कंट्रोल में जाओ, उसको बाद मनी कंट्रोल और जरूरत नहीं, उसको बाद अगर मैं इसको भी लगा देता हूँ, और एचजीएक्स निफ्टी भी देखना पड़ता था तो वो नहीं देखूंगा, चलो उतना दूर जाऊंगा नहीं, कहीं को वो यहाँ पे मनी कंट्रोल में मिल जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे हमारा जो भी अपना पास ऑप्शन सेन है, तो यहाँ पे मार्केट बुलिश दिखा रहा है ठीक है, यहाँ पे वो बुलिश और बैंक निफ्टी में भी बुलिश ठीक है। तो ये कौन सा फेसेस में दिखा रहा है देखता हूँ, इंट्राडे का पोजिशनल का, यह है इंट्राडे बुलिश दिखा रहा है, और यह पोजिशनल में भी बुलिश दिखा रहा है। तो इसका हाई अभी अभी फिलहाल का यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना 47 पर बैंक निफ्टी में, निफ्टी में है या कौन सा प्राइस दिया ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन से निफ्टी ऑप्शन से थोड़ा गलत होगा इसमें सेव करना ठीक है। तो ठीक है जो भी है, वीकली यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे भी बुलिश होगा शायद। तो ये क्या है, जो बिगिनर है उसको ऑप्शन सेम देखने का जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है ठीक है। तो ये सब हमारा वो हाँ पे अभी फिलहाल कितना पड़ रहा है, स्पॉट प्राइस 14.1223 ठीक है, तो उतना स्पॉट प्राइस चल रहा है। इसको रिफ्रेश करना क्योंकि यहाँ पे डाटा कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। तो ये सब अभी नहीं है, यहाँ से नको देखो, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना ठीक है, ये सब मैं देख लेना क्या है इसका। देखो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग कितना है, ये सब में आना नहीं पड़ता, अगर वहाँ पे आप ड्रॉ कर दिया तो ये सब वहाँ पे ही रहता ठीक है। तो फिर भी हमें यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, आपको एक्सेल शीट नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए आप यहाँ से देखो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग कितना है, देखो यहाँ पे लॉन्ग कितना किया है, ये फ्यूचर फ्यूचर चले गया हमारा पास, अभी फ्यूचर को बंद, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग कितना हुआ देखो, नेट कॉल लॉन्ग मतलब यहाँ पे एफ आई ने पॉजिटिव है, और डी एफ आई और यहाँ पे दोनों लॉन्ग किए देखो यहाँ पे, इसमें किस था यहाँ पे ऑफ कॉल में, कॉल साइड में ये सब का सब देखो, ये वाला एफ आई और डी आई और क्लाइंट है, मतलब ये तीनों पॉजिटिव है, तीनों को सोर्स क्या है मार्केट, कॉल को बाय करके ऊपर लेके जाऊंगा ठीक है। ये कॉल साइड का सोर्स होगा है, अभी यहाँ पे फिर से क्या हुआ 664 टोटल मतलब एफ आई ने फिर से इसको भी लॉन्ग किया, मतलब फूड को भी लॉन्ग किया, क्योंकि इसको कुछ हैज करने के लिए, फ्यूचर देखो, फ्यूचर को देखो 66 है ठीक है, 66 है और यहाँ पे 68, तो कहीं ना कहीं ये हैश करके रखा है, मतलब फ्यूचर को शॉर्ट किया और यहाँ पे पुट को यू नो क्या किया, फ्यूचर को शॉर्ट करके कॉल को ये बाय किया, देखो कॉल को ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये लॉन्ग किया सॉरी, ये फ्यूचर में लॉन्ग किया सर, फ्यूचर कौन सा है यार मैं गलत दिखा रहा हूँ, फ्यूचर में भी लॉन्ग किया तो यहाँ पे भी लॉन्ग किया ठीक है, और
इसको हैश करने के लिए जो भी कॉल को बाई किया तो हैश करने के लिए ये साइड में हैश किया, फ्यूचर को हैश किया, और एक्स्ट्रा ये फिर यहाँ पे और बाई करके गया। इसका मतलब मार्केट ये पूरा तरह से ऊपर जाएगा, ये लेके गया। ठीक है, यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है, तो यहाँ काट कर देता हूँ। अभी इसमें क्या होता है, इसका डायरेक्शन में क्या होता है, इसका लॉन्ग लॉन्ग ये पे नेट नेट पोजीशन जो हम लोग एक्सेल शीट में लिखा है ना, तो इसका आधा आधा करके हम निकाला है, स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर, तो हम लोग टोटल में एडजस्ट किया है, और यहाँ पे अलग 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 किया है। ठीक है, तो आगे जाके हम भी वैसा डाटा बनाऊंगा तो वो ऑटोमेटिक रहेगा, वो सिस्टम अलग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरा जो भी पेड नंबर है उसको मिलेगा। ठीक है, तो आगे जाके मैं सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब डिफरेंस डिफरेंस सिस्टम से करूँगा। ठीक है, जो उसको अच्छे से नॉलेज मिले। तो यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या है, यह प्रो क्या किया है, यहाँ पे लॉन्ग किया है, ये कौन सा है कॉल है, ये देखो इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट, तो हम कॉल देख रहा हूँ, कॉल में क्या किया, प्रो 83870। ठीक है, उसको मतलब यहाँ पे कॉल को क्या किया, शॉर्ट किया, देखो 10 10 मतलब ज़्यादा है ना, 8 और यहाँ 10 है। देखो मैं उसको नंबर में उतना बोल नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, तो यहाँ पे इन लोग शॉर्ट किया, इसका मतलब कॉल नीचे तरफ शॉर्ट करके गया, और कौन है, प्रो फ्लेयर, प्रो। ठीक है, FI ने क्या किया, FI ने भी कुछ शॉर्ट करके गया, देखो 56517, FI ने भी शॉर्ट किया, मतलब 4756, तो थोड़ा तो ज़्यादा ही है, 1 लाख, मतलब 10,000 ज़्यादा है। और यहाँ पे DI ने कुछ नहीं किया, और क्लाइंट में साले चूतिया क्या करके किया, देखो क्लाइंट में 2287, मतलब क्लाइंट में पुट को बाई करा, पुट को बाई करा, क्लाइंट में भी कॉल साइड को बाई करके किया, और यहाँ पे देखना अच्छा नंबर दिखाई देगा क्लाइंट को। यहाँ पे भी प्रो क्या किया, प्रो भी यहाँ पे 78 और 74, तो यहाँ पे भी प्रो बाई कर गया, मतलब प्रो का व्यू है मार्केट नीचे लेके जाना, और FI ने 42 और 17, मतलब यहाँ पे FI का व्यू क्या है, बाइंग कर रहा है, काहे को वो यहाँ पे कुछ बाइंग कर रहा है, इसका व्यू ऊपर लेके जाएगा, तो प्रो फ्लेयर यहाँ पे शॉर्ट साइड में था, तो यहाँ पे DI ने भी कुछ लॉन्ग किया, मतलब इसको भी लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लेके गया। ठीक है, क्लाइंट में भी अच्छा दबा से कॉल, यहाँ क्लाइंट में क्या किया, कॉल को अच्छा दबा के शॉर्ट किया, मतलब पुट को शॉर्ट करके किया, देखो पुट को कितना शॉर्ट किया, इंडेक्स पुट, पुट में 21 और 18, मतलब यहाँ पे जबरदस्त दबा के कॉल को राइट के, पुट को राइट किया, मतलब पुट को सेल किया 14,000 लेवल को। मैं दिखाऊंगा वो, ये सब देखते हैं हम लोग, नहीं ये डाटा देख लिया। ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शन चेंज जाके दिखाऊंगा, इसका डाटा देख लिया तो ये छोड़ देता। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे काल का कितना 56, यहाँ पे इन लोग बाई किया। ठीक है, 56 2 1, यहाँ पे इतना कैश में बाई किया, और इफिनो में क्या इतना किया, इफिनो में 264 सेल करके किया। ठीक है, अभी हम लोग के पास मार्केट ग्लोबल में जाके एक बार देख लेता हूँ, ग्लोबल किधर है, ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में एक बार दिखा लेता हूँ, वो काल का ही था, काल का भी मैं देखा ना, और यहाँ पे SGX निफ्टी फिलहाल तो जो है वो नहीं दिखा सकता है, तो ये फिलहाल तो जो है सेम ऐसा, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं वो टेलीग्राम में रखा है उसको दिखाऊंगा। तो काल का यार FIDI एक्टिविटी क्या था, वो चेंज नहीं होता वहाँ पे, ये तो दिखा दिया FIDI की एक्टिविटी, और इसमें और एक चीज़ देखना पड़ता, क्रांची तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो सब देख लिया। ठीक है, उसको देखने के बाद अभी हमारे ये साइट का काम होगा, आपको SGX निफ्टी तो वहाँ से, ग्लोबल इंडेक्स SGX निफ्टी तो वहाँ पे मणिकंठल से मिल जा रहा है, तो और एक बार इसको भी देख लेता हूँ, सब देखना है यहाँ पे मोबाइल से, आपको पूरा ग्रीन दिख रहा है काल। ठीक है, तो यहाँ पे FI,
ये पाई ये देखो कैश मार्केट में पोजिशनल है, ये लोग 5-6 वो मनी कंट्रोल 6 मिल जा रहा है। फिर इसको भी आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा, मतलब टोटल मार्केट एक तरफ से ये मार्केट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही था मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नेट नेट कितना था मार्केट, यहाँ पे कैश में इन लोग सेल करके गया, तो ये तो होगा। अभी हम लोग ये पाई एक्टिविटी के समझ में आना है, तो यह सेम है, एफ आई ने कैश और डी आई ने सेल, तो सेम ये हो ये यहाँ पे मनी कैटल में देख के आया। तो एक जगह से देखे तो भी हो जाता है, आपको बार बार दूसरा वेबसाइट क्यों दिखा रहा हो। यहाँ पे वॉल्यूम से आपको अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर में कितना इन लोग, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ नहीं है, टोटल कितना का बाय लिया यहाँ पे देखो, या इंडेक्स फ्यूचर में 264 इतना, और इससे पहला टोटल डाटा है, और ऑप्शन में कितना बाई किया है वो यहाँ पे इतना देखो बाई किया है, टोटल सबको मिला के, यहाँ पे कोई डी आई फे आई नहीं है, सबको दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं सेल करके गया, इससे पहले दिन बाई था, ये सेल करके किया किया स्टॉक ऑप्शन में सेल करा, यहाँ पे बाई करके गया स्टॉक फ्यूचर में बाई किया, और स्टॉक ऑप्शन में भी इसको बाई करके गया था। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट करके गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं तो बुलिश था, ठीक है। तो ये डाटा हुआ देखते हुए तो मार्केट पॉजिटिव था, तो हम लोग ये तो पॉजिटिव था ठीक है, मगर ये एक चीज ऑप्शन सेल में हम लोग को कंफ्यूज कर रहा था। मैं टेलीग्राम में जाके दिखा था कई को कल का, ये सब डाटा मैंने कल छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं कल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हो आपको दिखा रहा हो, यहाँ पे देखो यूएस मार्केट का डायरेक्शन है, एसजीएक्स निफ्टी किधर है, यहाँ पे हाँ ये है एशियन मार्केट, एसजीएक्स निफ्टी देखो 14, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोर्स में था, तो मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, यहाँ पूरा टोटल पॉजिटिव था, तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव खोला था, मगर यहाँ पे इतना करंट आ गया। ये सब आप लोग को एक दिन में समझ में, यार टोटल देखा हो, मैं हर जगह से कॉपी करके छोड़ दिया यहाँ पे टोटल देख लेना, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मतलब बाइंग ज़्यादा था, ठीक है, और फिर भी यहाँ पे भी बाइंग देख रहा था, यहाँ पे कैश मार्केट में इतना बाई किया और इफिनो में इतना शॉर्ट कैर के किया, ये देखो ये भी मैं डाटा दे दिया, ठीक है। फिर इसका क्रांची कर देखूँगा, डॉलर का भी दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी लॉन्ग लॉन्ग पुट सब, मतलब वो जो भी डाटा मैं देख रहा हूँ। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं ऑप्शन से दिखाने के लिए लिखा रहा हूँ, मार्केट तो बुलिश है, ठीक है, मार्केट पॉजिटिव था। मैंने यहाँ पे डाटा देखो, यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे मैंने 14,200 का लेवल दिया यहाँ पे, ठीक है, 14,200 का लेवल, ये कौन लोग राइट करके गया 14,200 को, कौन ले यहाँ पे प्रो प्लेयर राइट करके गया कॉल साइड को ज़्यादा, तो डाटा सही दिखा रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या किया, 14,000 लेवल को मैंने यहाँ पे एक्स बना दिया, इसका मतलब ये अच्छा सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं एक्स बना दिया यहाँ पे। फिर से यहाँ बैंक निफ्टी में भी जाओ, यहाँ पे मैंने दिया लेवल कितना है, ये वाला लेवल दिया 31,500 और ये वाला एक्स मार दिया, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे भी देखो ये पाई, तो कहीं ना ये इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, ये मतलब टोटल यहाँ पे कैलकुलेटर करके माइनस किया है, तो इसमें आपको निकालना बोले तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, पुट को 89,000 को क्लाइंट लोग शॉर्ट करके गया, और यहाँ पे देखो प्रो क्या किया, कॉल को शॉर्ट करके गया, तो 54 यहाँ पे 89, तो टोटल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था, ठीक है, मगर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड भी करके यहाँ पे रखा है, यहाँ पे टाइम देख लेना कल कितना बजे है, यहाँ पे 8:48 PM, ठीक है। तो हम क्या किया, देखिए मार्केट एक्चुअली खुलेगा, गैप आ गया ऊपर साइड, ठीक है, तो भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रो ऑलरेडी कॉल ज़्यादा शॉर्ट करके रखा है, ठीक है, तो ओवरऑल जो देख रहा हो प्रो तो मार्केट ऊपर जाने नहीं देगा, कैसे भी उसको लेके नीचे ही आएगा वो, ठीक है। डाटा कल का जैसा सेम ही है डाटा, इधर उधर ज़्यादा नहीं भटक रहा है, तो फ्यूचर भी यहाँ पे ये फाइनल शॉर्ट किया है, और पुट को भी बाय, ये पुट सबसे ज़्यादा कौन राइट किया मालूम है, क्लाइंट ज़्यादा राइट किया है, 92 यहाँ पे कॉन्टैक्ट मतलब पुट को राइट किया, वो भी क्लाइंट, ठीक है,
जो भी 14,000 के लेवल में देख रहा है ना बैंक निफ्टी 50 में, तो फिर निफ्टी 50 में, तो ये 14,000 लेवल को क्लाइंट का काम है पूरा शॉर्ट करके गया, ठीक है। इसमें और फंसेगा तो क्लाइंट ही फंसेगा, ठीक है। तो मार्केट का व्यू पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपसाइड खोल सकता है, फिर अगर अपसाइड खोलेगा भी तो मार्केट नीचे लेके जाएगा कैसा भी, ठीक है। तो डाउन साइड मतलब डाउन साइड ही है, ट्रेड मिले तो डाउन साइड का लेना है, अपसाइड का लेना नहीं। अपसाइड होगा खुलेगा तो कोई बात नहीं, खुलने दो को, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में अगर सेल साइड में मिल जाएगा तो सेलिंग कर लेना, ठीक है। पहले तो मार्केट ऊपर खुलना चाहिए, अगर नीचे खुलेगा तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो प्राइस एक्शन में किधर भी सेलिंग मिलता है ऊपर खुले तो तब कर लेना शॉर्ट, ठीक है। थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। मैंने काल क्या बोला? तो डियर माय फ्रेंड्स, आप लोग तो देख लिया, ठीक है, कॉल बोला और आज का प्राइस देख लो। प्राइस एक्शन में सेल नहीं मिला, यहाँ पे मिला है, राइट। तो मैंने कॉल ऑलरेडी बोल दिया आप लोग को, क्योंकि मार्केट डाटा पॉजिटिव था, ठीक है, मगर यहाँ पे प्रोब क्या है उसको ऊपर नहीं जाने देगा, मेरे को वो पक्का था। मैं पे यहाँ पे लेवल भी दे दिया, देखो यहाँ पे लेवल दे दिया 14,200, ठीक है। सी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर बन गया, यहाँ पे 14,000 यहाँ पे सपोर्ट बन गए, ठीक है। तो 14,000 सपोर्ट बन गया था, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिया 31,500, यहाँ पे 30,000 तो बैंक निफ्टी। तो मेरे लगता है ये सब कुछ काम हो गया, क्योंकि ये जो भी डाटा दिख रहा हूँ आज नहीं, यहाँ पे आज नहीं है, मैं यहाँ पे लगभग कुछ दिन से डाटा दे रहा हूँ। यहाँ पे पीछे भी जाके बैक टेस्ट करके देखो, मैंने यहाँ पे कोई जगह मेरे गलत मिले तो मेरे को बताना, क्योंकि यहाँ मैं बहुत दिन से डाटा दे रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन से मैं यहाँ पे डाटा दे रहा हूँ, और जो भी डाटा है करेक्ट मैं समझे देख के उसको बाद ही मैं देता हूँ, ठीक है। फुकट में नहीं देता हूँ ऐसा वगैरह नहीं है, मगर हर रोज मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं हर टाइम में डाटा नहीं, जब तक टाइम मिलेगा मैं देता हूँ, टाइम नहीं मिले तो मैं नहीं देता, ठीक है। तो इतना सब बात है, अगर आप इंट्राडे ले रहा है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे 15 दिन का डाटा देखना पड़ेगा, वो एक्सेल शीट में देखना, और यहाँ पे हर रोज देखेगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सेल शीट में देख रहा है, मैक्सिमम 3 डेज का डाटा तो आपको पास होना चाहिए अगर इंट्राडे में कर रहा है। 3 दिन का डाटा देखने से भी आपको कुछ समझ में आ जाता है क्लैरिटी, आज कितना बाई किया, कितना सेल कर रहा है, कहाँ से पोजिशन निकाल रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आ जाता। फिर से आपको वो पे बैंक निफ्टी में जाके वो ऑप्शन सेल में देख लेना कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निफ्टी में जाके बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेना है, इतना स्ट्राइक प्राइस का कितना हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का कितना हो रहा है, ठीक है। तो वो देखने से आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखना, ठीक है, रोल ओवर कितना हुआ है सब वगैरह, तो यहाँ पे आपको ऐसा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हर स्टॉक मतलब आप एक एक ऑप्शन से नहीं निकाले तो आपको वहाँ पे आ जाता है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन से निकालो तो वो सब कुछ वहाँ पे ही आ जाता है ऑटोमेटिक। सपोज मैं इसका ले रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं है तो क्या दिखाएगा, ठीक है। तो उसको जाके फिर देख लेना क्या है, यहाँ पे सर्च करके। तो मैंने ऑटोमेटिक क्या है यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को दिखा दिया, यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट कैंडल में नहीं, 5 मिनट जब सबरे ट्रेड ले रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फल प्राइस सेक्शन में ट्रेड मिला है, ये वाला ब्रेकआउट किया है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए ये यहाँ पे सपोर्ट में 14,000 में आपको बुक करना चाहिए। अगर ऊपर में से ले रहा है तो 14,000 आपका सपोर्ट बन रहा है, तो 14,000 घूम फिर के फिर से मार्केट अप साइड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम मतलब प्राइस एक्शन ये जो भी यहाँ तक आया ना मार्केट, ये प्रो में किया, ये प्रो फ्लेयर किया है, समझ में आना चाहिए। वो कॉल को 14,200 को, एक 14,200 को शॉर्ट किया इन लोग, 14,200 देखूंगा यहाँ पे, 14,200 को, ठीक है, 14,200 को इन लोग शॉर्ट करके गया, ठीक है। और यहाँ पे 14,000 में प्रॉफिट बुक किया काय को, यहाँ पे 14,000 लेवल को कॉल को शॉर्ट किया, और इसे पहले ही शॉर्ट करके रख दिया मार्केट, ठीक है। मार्केट खोला कहाँ है, गैप अप, तो इसको या किसको फायदा हुआ, क्लाइंट को फायदा हुआ, प्रोफ्लेयर को डीआई को फायदा होगा है, इन लोग पोजिशन निकाल दिया और प्रोफ्लेयर फंस गया, क्योंकि मार्केट खुला ही ऊपर 150 पॉइंट, तो प्रो फंस गया। प्रो जब भी प्राइस सेक्शन में सेल मिला
तो सेल मार दिया, ठीक है, तो उसका साथ साथ सब लोग भी सेल मार दिया, तो उसका मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो ऐसा ही ट्रेड होता है, ठीक है। एक दिन पहला आपको डाटा देखना पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपको साथ में किसी को प्रो फ्लेयर नहीं तो DI, ठीक है, वो क्या कर रहा है उसको एक्टिविटी के समझ में आना चाहिए, तभी उसके साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग लेना। अभी यहाँ पे बाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको सेल ही करना था। फिर से अगर सेल मिले तो आपको फिर से ऊपर जाकर फिर प्राइस सेक्शन में आपको सेल मारेगा, तो ये लेवल से फिर से आप सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ पे ब्रेकआउट होने से ये कैंडल में आपको एंट्री मिलता, यहाँ पे आपको पीछे स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट, तो आपका अगर गलत होता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आप टारगेट है, यहाँ पे भी प्राइस सेक्शन में सेल दिखा रहा है, मगर ये फर्स्ट सेल निकाल गया, अब नेक्स्ट सेल आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट और नीचे आएगा, वो मेरे पता नहीं, मगर यहाँ पे मतलब टारगेट हमेशा देख लेना 14,000 लेवल तक, तो आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे यहाँ से ट्रेड लिया तो फिर यहाँ के रुकेगा, फिर से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ घुमाएगा फिराएगा मार्केट 14,000, जब तक नीचे नहीं रह रहा है आधा घंटा एक घंटा नीचे रहेगा तभी जाके नीचे फिर से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है ट्रेंड, जब भी आपको देख रहा है नहीं ट्रेंड, आपको 14,200 एक रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ पे इतना खोल के अगर ऊपर चले जाता ना तो वो प्रो प्लेयर वो कभी नहीं शॉर्ट करता, डर के मारे पोजिशन निकाला दे देता। तो ऐसा होता है ट्रेड, हर रोज देखो पीछे वाला कभी भी डाटा मैंने देखा, हर डाटा में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा हर रोज, क्योंकि आप सेलिंग बोला था सेलिंग करना, बाइंग तो बाइंग, बस उसको ट्रेड नहीं मिले तो करना ही नहीं है, ऐसा होता है ट्रेड FIDI का डाटा देख के, ठीक है। वो क्या कर रहा है उसके साथ ही चलूंगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक्सिस DMA फ्रेंड, अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहा है तो आपके पास ये जो भी एक्सेल शीट है, ठीक है, ये एक्सेल शीट को आपको देखना पड़ेगा, और एक्सेल शीट आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा इंडियन वीक्स, ठीक है। जब आप पोजिशनल ले रहा है मंथली बेसिस में ट्रेड ले रहा है मंथली वीकली, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा, इंडियन वीक्स को मेजरमेंट करना पड़ेगा। अभी प्राइस कितना चला है, मैं इसको प्राइस हमारे पास 10, यहाँ पे इंडियन बिक्स हमारे पास कितना है 20 20, ठीक है, हमारे पास 14,300, हाई कितना लगाया है इसका, चौदह हजार 115, और इंडियन बिक्स कितना है 20, फिलहाल कितना चल रहा है 20, इसका हाई कितना बना है लो कितना, 20 20 20 लगाता हूँ, चलो 20, तो हमारा पास आज का लो कितना है कि 13,900 नीचे का लो आ रहा है, हाई कितना 14,200, देखो 14,200 आ रहा है, तो यहाँ पे इंडियन विक्स डेली 1.5% मूव होना चाहिए तब जाके वहाँ पे आएगा, और वीकली 2.7% मूव होना चाहिए, और मंथली 5.7% मूव होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा होता है। मंथली लेवल आपको 13,300 आ रहा है और हाई लेवल आ रहा है कितना 14,900, बाप रे बहुत ऊपर है अभी तक मंथली फेजेस में आ रहा है। तो अगर आप ईयरली जाएगा, एनुअल ईयर ईयर का लो है 11,200, 11,292 आ रहा है, और ये साल का हाई कितना आ रहा है 16, एक साल का 16,900, 16,938 हाई आ रहा है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा इंडियन इन द 365 डेज, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये भी आपके पास होना चाहिए। आप मंथली बेसिस में ले रहा है, वीकली बेसिस में ले रहा है, ठीक है, और वीकली मंथली और डेली जो भी ये रहा है, डेली का भी नहीं मतलब नहीं देखे तो भी आपको चलेगा, क्योंकि ये मंथली वीकली बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। अगर वेस्टर्न एक दिन पहला ले रहा है तभी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर पोजिशनल ले रहा है तो, अगर पोजिशनल नहीं ले रहा है तो इसको जरूरत नहीं आपको, ठीक है।
उसको जरूरत नहीं, आपको ये अगर डाटा दिखे तो हो जाता है। तो मैं उतना सा पोजिशनल बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बस उतना ही है, इसको देखना पड़ेगा। इंडियन डिक्स को मेजरमेंट करना जरूरी है आपको पोजिशनल फेसिस पे। तो क्या है, अगर आप एक ऑप्शन चला रहे तो आपको डर नहीं रहता, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है जो 2% मूव हुआ था यहाँ पे मेरा यहाँ तक। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे कितना, अगर वीकली फेसिस कितना गया 14,000, डेली का वीकली कितना था मेरे को इतना याद नहीं, वीकली 14,000 कितना, 500 कितना, 14,600 था, 14,500, 14,600 ना कितना था वीकली फेसेस में, और नीचे का कितना था, जो भी है तो काफ़ी दूर है वो। ठीक है, इंडियन वीक्स अगर एक दिन में उतना मूव नहीं होता है 1,000 पॉइंट, ठीक है, हर रोज 1,000 पॉइंट नहीं हो सकता है, तो ऑटोमेटिक अच्छा खासा यहाँ पे एक सेलिंग मिला अभी, और सेल नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बाइंग चले गया फिर से सेल ऐसा नहीं। मतलब इंडियन वीक्स को अगर वीक्स में देखा, देखो अगर आपको ये पाई डाटा पॉजिटिव था, ठीक है, अगर प्रो में प्राइस सेक्शन में पहले ही बोल दिया मैंने, तो प्राइस सेक्शन में डाटा देखो, अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है डाटा सबका, ठीक है, क्लाइंट का डाटा पॉजिटिव लग रहा है, तो कभी ट्रेड न को करो। अगर प्रो को डाटा, एफआई का डाटा, ठीक है, एफआई का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सोर्स में जाओ। अगर देखा एफआई पॉजिटिव है प्रो सेल है, तो हमेशा ध्यान देना उसको। अगर आप पॉजिटिव में खोलेगा, ठीक है, मार्केट, मगर उसको प्राइस सेक्शन में कभी भी सेल मिला तो सेल करना, क्योंकि प्रो वो लेके आएगा मार्केट और धमाका पूरा कंटिन्यूटी लगाएगा वहाँ पे, लॉस नहीं होना बोल के, उसको पैसा बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू डियर माई फ्रेंड्स, मेरा बात समझ में आ गया शायद, और टेक केयर, बाय बाय। इतना सा बात था, वीडियो बनाने का मोटिव था, टेक केयर, बाय बाय।